Hello, in this part I will discuss about chromosomal theory of linkage. In the previous class I have discussed about linkage, and linkage means presence of two genes or more than genes on same chromosome, due to which they have tendency to stay together. Either these genes are dominant or recessive, but they try to stay together because distance between the two genes are negligible. So this process is linkage. Linkage was elaborated by Morgan, and this theory, chromosomal basis of linkage, was proposed by Morgan and Castle. Morgan and Castle. This theory states that chromosomal theory of linkage क्या कहता है? This theory states that the genes are present on chromosome. The first point is genes are present on chromosome. So first point is genes are present on chromosome. Genes कहाँ पर present होते हैं? Chromosome पर present होते हैं. Genes are present on chromosome. These genes are arranged in linear fashion. Ye genes chromosome par are arranged in linear fashion. Jaise suppose ye chromosome hai hamara, to yahan par ye is tarah se ए जीन बी सी डी ई, इस तरह से ये लीनियर फैशन पर से अरेंज होते हैं. जीन का जो पोजीशन है क्रोमोसोम पर, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस. नेक्स्ट पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम. On chromosome is called gene locus. Gene का chromosome पर जो position है उस position को gene locus कहेंगे, ठीक है. और एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो लिंक्ड जीन्स हैं, ठीक है. और ये लिंक्ड जीन्स में टेंडेंसी है कि वो साथ में स्टे करेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज the genes which are present on same chromosome, linked genes, and they tend to stay together, and they tend to stay together. और वो साथ में रहने की टेंडेंसी भी रखते हैं. जो जीन एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो साथ में इनहेरिट भी होते हैं, क्योंकि साथ में रहने की टेंडेंसी रखते हैं. दीज जीन्स आर सेपरेटेड. ये जीन्स सिर्फ एक प्रोसेस के थ्रू सेपरेट हो सकते हैं, एंड द प्रोसेस इज क्रॉसिंग ओवर. दीज लिंक्ड जीन्स आर these linked genes are separated during क्रॉसिंग ओवर. कैसे सेपरेट होंगे अभी इस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं. क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही ये लिंक्ड जीन्स सेपरेट हो सकते हैं, और कोई चांस नहीं इनके सेपरेशन का. सो दिस वाज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. नेक्स्ट अब देखते हैं ये जीन कैसे क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट होंगे.
तो कैसे सेपरेट होंगे इसके लिए हमें क्रॉसिंग ओवर के इवेंट में जाना पड़ेगा। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन को ब्रीफ में समराइज करना पड़ेगा क्रॉसिंग ओवर के लिए। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, दो स्टेप में ये प्रोसेस होता है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पांच सब स्टेज होंगे, लैक्टोटिन, जायगोटिन, पेक्राटिन, डिप्लोटिन एंड जायकाइनेसिस। हमें सिर्फ इन दोनों से काम है अभी, बाकी चीजों से मतलब नहीं है क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए। हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को लेते हैं तो उसके पास क्रोमोसोम पेयर्स में, सपोज ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम है। 23 पेयर्स का मतलब कि हर क्रोमोसोम दो है हमारे पास। जैसे क्रोमोसोम वन कितने नंबर है इसके, टू। क्रोमोसोम टू कितने नंबर है इसके, टू। क्रोमोसोम थ्री कितने नंबर है इसके, थ्री। तो ईच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन पेयर। दिस पेयर कंडीशन इज द पेयर ऑफ वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इन द जायगोटिन स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स द पेयरिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्स फॉर्मेशन। सपोज एक क्रोमोसोम हमारा क्रोमोसोम नंबर वन है, तो वन क्रोमोसोम मैटरनल साइड से भी हमें मिला है और पैटर्नल साइड से भी हमें मिला है। ये दोनों क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम हमारे पास होमोलोगस हैं। तो जायगोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो गई, यानी मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम इकट्ठे एक जगह आ गए। सो दिस स्टेज इज जायगोटिन। व्हाट इज जायगोट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम इज जायगोट। सो जायगोट से डिराइव हुआ जायगोटिन। यहाँ पर फ्यूजन मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम का है, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम इकट्ठे एक जगह आ गए और ये स्टेज था हमारा जायगोटिन और ये प्रोसेस था साइनेप्सिस। हमें याद रख लेना कि कोई भी डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस कुछ भी हो रहा है तो ये इंटरफेज स्टेज के बाद है और इंटरफेज में G1S और G2 फेज होता है। S फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी हमारे क्रोमोसोम पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन के समय में ये डुप्लीकेट हो चुका होगा, यानी हर एक हमारे पास डीएनए अभी, चूंकि डिवीजन चल रहा है इसलिए अभी हमारे पास डीएनए का दो कॉपी नहीं होगा, बल्कि डीएनए हमारे पास फोर कॉपीज में प्रेजेंट होगा। तो ये रेप्लिकेटेड डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड डीएनए, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना, दो स्ट्रैंड है। रेप्लिकेशन हम लोग लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंथेसिस करके हमने दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया, एक स्ट्रैंड पैरेंटल है, एक न्यू सिंथेसाइज किया, एक पैरेंटल है, एक न्यू सिंथेसाइज किया। तो टोटल डीएनए के चार स्ट्रैंड हो गए, तो ये स्ट्रैंड हमारा 4C हो गया जबकि पैरेंट में ये 2C था। क्योंकि डिवीजन चल रहा है इसलिए यहाँ पर 4C क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के डीएनए के रेप्लिकेटेड कॉपीज को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। रेप्लिकेटेड डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। सो यहां पर हमारे पास ये क्रोमोसोम का डीएनए इस पर ऐसे स्ट्रैंड, ये इस तरह से हमारे पास रेप्लिकेटेड डीएनए हो गया 4C, और ये मान लो मैटरनल था तो ये आपका पैटर्नल ड्रॉ कर लिया, तो पैटर्नल में भी आपका 4C हो गया। तो हर क्रोमोसोम के पास चार डीएनए थ्रेड है क्योंकि डीएनए हमारा रेप्लिकेटेड है, डिवीजन हो रहा है। ये हमारा साइनेप्स है और ये हमारा
साइनेप्स के बीच में एक केमिकल यानी साइनेप्स करने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर करने के लिए बीच में एक केमिकल की सिंथेसिस होती है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के पास कुछ एंजाइम होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल के फॉर्म में इसमें रहता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के फॉर्म में रहता है। यहां पर लैक्टोटीन स्टेज में ऐसे साइनेप्स फॉर्मेशन हुआ और पैकाटीन स्टेज में कॉन्डेंसेशन हुआ डीएनए का, क्रोमोसोम के कॉन्डेंसेशन के कारण। कॉन्डेंसेशन हमारा फर्स्ट स्टेज से ही चल रहा है जबकि पैकाटीन स्टेज में थोड़ा ज्यादा कॉन्डेंसेशन हो गया जिसके कारण हर क्रोमोसोम में हमें चार डीएनए थ्रेड दिखने लगे, इसलिए इस स्टेज को कहा टेट्राड। ये स्टेज हमारा टेट्राड कहलाया और यहाँ पर इसको कहते हैं डायड। यहाँ पर ये बाइवेलेंट स्टेज या डायड स्टेज कहलाता है और यहाँ पर ये टेट्राड स्टेज कहलाता है। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम के रेप्लिकेटेड डीएनए, ये क्रोमोसोम और ये इसके रेप्लिकेटेड डीएनए, रेप्लिकेटेड डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम इज सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड होगा क्योंकि ये भी एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो ये भी क्या है सिस्टर क्रोमैटिड। इस स्टेज में पैकाटीन स्टेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन आपस में ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के डीएनए है, है ना। तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, बट दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहां पर एक प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है, ये प्रोसेस हमारा होगा क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, तो लेट्स सी द डायग्राम। अभी हम लोग क्रॉसिंग ओवर के इवेंट को डिस्कस करते हैं कि ये इस तरह से प्रेजेंट है। यहां पर ये थ्रेड, ये डीएनए के थ्रेड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, ये ओवरलैपिंग, जैसे ये ओवरलैप करेगा, किसके बीच ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो किसके बीच ओवरलैपिंग का इवेंट किसके बीच हुआ है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के होमोलोगस क्रोमोसोम पर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन, अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ, ओवरलैपिंग। जैसे ये ओवरलैपिंग होती है, याद करो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल विल रिलीजेस रिकॉम्बिनेस एंड लाइगेज, रिकॉम्बिनेस एंड लाइगेज एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेस एंजाइम कट्स द डीएनए एंड लाइगेज एंजाइम बाइंड्स द डीएनए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस कट्स डीएनए एंड लाइगेज बाइंड्स द डीएनए, binds the DNA, but this cutting and ligation occurs in such a way that the segment of one chromosome is attached to another chromosome and the segment of this chromosome is attached to this chromosome, यानी cutting हुई और ligation हुआ, लेकिन cutting और ligation कुछ इस तरह से हुआ है कि इसका segment,
और इसका सेगमेंट इसमें आकर जुड़ गया, तो ये एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, तो इसके पास इसका सेगमेंट अटैच हो गया इस तरह से, और इसके पास इसका सेगमेंट और इसके पास इसका सेगमेंट अटैच हो गया। तो यहां पर इसका सेगमेंट इसमें चला गया, इसका सेगमेंट इसमें चला गया, दो सिस्टर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच एक्सचेंज हो गया किसका, जेनेटिक मटेरियल का, एंड दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यहीं तक की बात समझनी है आपको। अभी ये कह रहा है लिंकेज का कहना है, क्रोमोसोमल थ्योरी का कहना है कि जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है तभी ये लिंक्ड जीन्स हमारे सेपरेट हो सकते हैं। कैसे, अभी देखो हमारे पास ये क्रॉसिंग ओवर किया है ना, तो अब क्रॉसिंग ओवर के समय में हमारा लिंक जीन सेपरेट होगा। कैसे, तो अब इस इवेंट को फिर से एक बार देखिए, ये एक क्रोमोसोम, सपोज ये एक क्रोमोसोम है और इस पर ये एक सपोज ए बी सी डी ई, ये जीन्स प्रेजेंट है, दीज आर लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और मैटरनल साइड से मान लो ये लिखा था, पैटर्नल साइड से ए बी सी डी ई, ये अब हमारा प्रेजेंट है। तो लिंक जीन्स का मतलब कि ये जो जीन्स है ये हर बार, यानी फिर ये पूरा प्रोसेस मियोसिस का क्या होगा, फिर जब हम प्रोफेज के बाद मेटाफेज में जाएंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे हमारा, एक बार देख ही लो इसको, ये पूरा एक्सचेंज होने के बाद ये इस तरह से हमारा मेटाफेज में अरेंज हो जाएगा, एनाफेज में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और टेलोफेज में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी हमारे गैमेट के पास एक क्रोमोसोम जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट पर जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में चला जाएगा, तो गैमेट में जाएगा तो फिर फ्यूजन होगा। अगर ये जीन लिंक्ड जीन्स है तो इनको साथ में जाने की टेंडेंसी होगी, और साथ में जाने की टेंडेंसी होगी का मतलब क्या, इसका मतलब इसका सेगमेंट इसमें नहीं गया, इसका सेगमेंट इसमें नहीं गया, तभी ये साथ साथ जा रहा है हमेशा, ये दोनों तीनों चारों पांचों हमेशा एक गैमेट में साथ में तभी जाएगा जब इनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इसका सेगमेंट इसमें नहीं जाएगा, इसका सेगमेंट इसमें नहीं जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। ये कब ऐसा होगा कि लिंक्ड जीन्स सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, इसका डिसीजन कैसे होगा, तो क्रॉसिंग ओवर में हमें एक्सचेंज करना है सेगमेंट का, एक्सचेंज करने के लिए सेगमेंट का मान लो ये इस पर से ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर से अगर ओवरलैप करेगा तो भी हमारे पास ये 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 मान लो इसके ऊपर यहां से ऐसे ओवरलैप कर गया, तो इसका सीक्वेंस क्या था, ई डी, इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, सी बी ए, सी बी और ए, यही हो जाएगा। और इसके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद इसका सीक्वेंस आ जाएगा ए बी सी, और खुद का इसका क्या है, डी और ई, सेपरेट हो गई, लिंक जीन्स अलग हो गए, एक गैमेट में ये फीचर चला गया, दूसरे गैमेट में ये फीचर चला गया। ये सेपरेट क्यों हुआ, ये सेपरेट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनके बीच में क्या था, डिस्टेंस था, इसलिए ये यहां से ओवरलैप कर गया और ये यहां से ओवरलैप कर गया, तो इसका सीक्वेंस इस पर आ गया, इसका सीक्वेंस इस पर आ गया। अगर हम इसको, ये तो सेपरेट हो गए, तो लिंक जीन्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में ये सेपरेट हुए। अब ये जानना है कि ये सेपरेट क्यों नहीं होंगे और कब नहीं होंगे, ये कब सेपरेट नहीं हो होंगे, ये तभी सेपरेट नहीं होंगे जब इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत निग्लिजेबल हो, यानी सपोज ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई, इस तरह से यहां पर ए बी सी डी ई। अब देखो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर यहां से होगा तो ई और डी सेपरेट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर यहां से भी होगा तो भी ये सब सेपरेट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। ये दोनों को सेपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये यहां से इसके बीच से होकर जाकर पास कर जाए, तो इधर से कहीं से भी अगर ये जा रहा है सी डी ई को
सेपरेट कर पा रहा है, लेकिन ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो तो इनके बीच से थ्रेड के गुजरने के चांसेस भी तो कम हो जाएंगे, जिसके कारण ये ए और बी जीन क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली लिंक्ड हो जाएंगे, यानी ये कभी सेपरेट आसानी से नहीं होंगे। तो ये कंप्लीट लिंकेज को शो करेगा, यानी कभी भी किसी भी कंडीशन में ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, या बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में ये सेपरेट होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी स्टेट्स दैट लिंक्ड जीन्स सेपरेट्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। और लिंक्ड जीन्स कब सेपरेट नहीं होंगे? तो जब उनके बीच लिंकेज का कारण क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स आर, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स आर नेग्लिजिबल, देन दीज आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। तब ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स होंगे। नेक्स्ट इज, क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज लिंकेज ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज ग्रुप को। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप का मतलब है हैप्लॉइड कंडीशन। लिंकेज ग्रुप मींस हैप्लॉइड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास जो हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम होगा उसी को हम लोग कहेंगे लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप मींस हाँ, क्योंकि सारा पेयर्ड कंडीशन में, तो लिंकेज ग्रुप का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप, इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। पाइसम सेटाइबम का क्रोमोसोम नंबर 14 है, लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 7। हैप्लॉइड सेट कितना होगा? 7। ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम नंबर 8 है, लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 4। ह्यूमन फीमेल 44 प्लस XX है, लिंकेज ग्रुप क्या होगा? लिंकेज ग्रुप क्या होगा? 22 हैप्लॉइड प्लस एक्स 23। ह्यूमन मेल क्रोमोसोम कितना है? 44 प्लस XY, लिंकेज ग्रुप क्या होगा? 22 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ना तो इसका पेयर है ना तो इसका पेयर है, इसको दोनों को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। पेयर कंडीशन में तभी हम आप कर सकते हैं, पेयर है ही नहीं, जिसका मतलब इसको भी वन कंसीडर करेंगे, इसको भी वन कंसीडर करेंगे, क्या हो जाएगा? लिंकेज ग्रुप 24। क्लियर है? तो दिस इज लिंकेज ग्रुप। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लिंकेज। सो नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ लिंकेज।